के गोल्डन मार्केट में आज 13 मुहर्रम हराम 1443 सन हिजरी बमुताबिक 22 अगस्त 2021 बरोज इतवार। अल्हम्दुलिल्लाह, 2 साल तखस्सुस फिल इक्तसादिल इस्लामी स्पेशलाइजेशन इन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के सेकंड बैच के सिलसिले में एंट्री टेस्ट और इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क के मायानाश शरिया स्कॉलर्स, मुफ्तियान किराम और माहिरीन मईशत ने शिरकत फरमाई, जिन्होंने खिताब फरमाते हुए दारुल उलूम मेमन की इल्मी काविशों को सराहा। हम मनी मार्केट को फोकस करेंगे, कैपिटल मार्केट को हम फोकस करेंगे, साथ साथ शरिया कंप्लायंस। शरिया कंप्लायंस के हवाले से लोग बोलते थे जी यूं, ऐसा नहीं है। शरिया कंप्लायंस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस एज वेल एज कन्वेंशनल बैंकिंग। अगर शरिया कंप्लायंस को हटा दें, वो नॉन कंप्लायंस हो जाए, तो फिर इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग में कोई फर्क रहने जाता। तो उसकी अहमियत को पेश नज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम के तमाम शरिया स्टैंडर्ड्स, हमारे जो जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 के करीब शरिया स्कॉलर्स हैं जो इस्लामिक बैंकिंग में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इंशाल्लाह उन तमाम को हम कोशिश करेंगे ऑन बोर्ड करें और वो हमारे सामने आके हमारे तलबा के लिए और हम सब के लिए मजीद राय हमवार करेंगे और ये सिलसिला तालीम व तअल्लुम का मजीद आगे बढ़ेगा। इसी तरह मौजूदा दौर में मदारिस के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत पैदा होती जा रही है और हो भी गई है कि हम अपने तलबा को फाइनेंस के जो मुख्तलिफ किस्म के मार्केट में तरीके राइज हैं वो उन्हें सिखाएं, और साथ साथ इसके इस्लामिक फाइनेंस के अंदर जितने हमारे फिक के मजहब हैं, चाहे वो हनफी है, वो शाफी है, हम्बली है या मालिकी है, वो बताएं, और ताकि इन मसाइल का हल मालूम हो सके। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मोमिनीन की एक क्वालिटी बयान ये की है कि वस्साबिकुनल खैरात या इस्तबिकुल खैरात, यानि खैर के तमाम कामों में वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस इदारे का विजन है, जो उलमा के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, वो यही है कि जो भी तलबा यहाँ से पढ़ के निकलें वो अपने अपने शोबे के इमाम बनें। उलमा ने लिखा कि एक आलिम दीन का किसी भी माशरे में पाया जाना फ़र्ज़ किफ़ाया है। वो मौजूद होगा तो वहाँ की जो मुसलमानों की ज़रूरियात हैं, उनके दीनी मसाइल हैं, वो हल करेगा। तो आलिम की जो प्रोडक्शन है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि वो माशरे के जो मसाइल हैं, हलाल व हराम के मसाइल हैं, अकायद के मसाइल हैं, इस्लाह के मसाइल हैं, ये उन मसाइल के हवाले से इसके कंधे पर जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। हर दौर के अंदर नए नए मसाइल आते रहे और नई नई फील्ड्स पर उलमा काम करते रहे, बिलाशुबा आज के दौर के अंदर हलाल व हराम के ताल्लुक से इस्लामिक फाइनेंस और इंडस्ट्री को समझना। ठीक है, एक शख्स बैंक से काम नहीं करता, किसी इस्लामी बैंक से काम नहीं करता, लेकिन वो मसला पूछने आता है आपसे, आपको पता ही नहीं है वो इंडस्ट्री क्या है, प्रोडक्ट क्या है। एक शख्स के असल मसले तक पहुंचने के लिए बुनियादी नॉलेज का होना ज़रूरी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर यह है और कि हम जो है सही अंडरस्टैंडिंग्स दें उसकी, इस्लामिक बैंकिंग की, लोगों को समझाएं, लोगों को पढ़ाएं, बताएं, ताकि हम उसमें अपना एक रोल क्रिएट कर सकें और हम उस रोल को क्रिएट करके जो इस्लामिक बैंकिंग इन इट्स ट्रू फॉर्म है वो अप्लाई कर सकें। कि इस्लामिक बैंकिंग $2 trillion की है, जो एक टोटल बैंक का वॉल्यूम के बराबर है, HSBC के वॉल्यूम के बराबर। अगर हम देखते हैं तो हम इस्लामिक बैंकिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर, हमारे ट्रेडिंग कंपनीज के अंदर, हमारे ट्रेड के अंदर, हमारे रोजमर्रा के मामला के अंदर इस्लामिक फाइनेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इस्लामिक इकोनॉमिक एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब हम माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, कन्वेंशनल तरीके से खरीदते हैं, कन्वेंशनल तरीके से बेचते हैं। इस्लामिक फाइनेंस खाली बैंकिंग नहीं है, इस्लामिक फाइनेंस सप्लाई चेन में भी आता है, इस्लामिक फाइनेंस इंजीनियरिंग में भी आता है। कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस्लामिक फाइनेंस के तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट फाइनेंस तो रेज करना चाहते हैं लेकिन हमें इस्लामिक फाइनेंस नहीं आता। आखिर में फिकहुल मुआमिलात और जदीद इस्लामी बैंकारी के माहिर जनाब मुफ्ती ज़ाहिद सिराज साहिब की दुआ के साथ तकरीब का इख्तिताम हुआ।